नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। पत्रकारों के सवालों से घबराई पूर्व राज्यमंत्री भाजपा विधायक अर्चना पांडे। भाजपा से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रिया साख को लेकर किया गया था सवाल। दरअसल जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के समय बागी तेवर के साथ चुनाव लड़ने को लेकर प्रिया साख को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था तथा निष्कासित। उसके बाद प्रिया साख ने अच्छे मतों से जीत की थी हासिल, जबकि भाजपा प्रत्याशी की हुई थी हार। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव आते ही अचानक ही उनको भाजपा में बिना शामिल किए ही बना दिया गया था जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी। इन्हीं सवालों पर घबराई विधायिका और पूर्व राज्य मंत्री भाजपा के शीर्ष नेताओं से जवाब लेने की कर रही है बात। किस पद के लिए आवाज आई है नामांकन करने के लिए? जिला पंचायत अध्यक्ष। क्या अगर आप चुनाव जीतती है तो क्या आपका रहेगा अधिकार? हाँ, अध्यक्ष बताइए। दोबारा पूछे ना, समझ नहीं पाई। अगर आप चुनाव जीतती है तो प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? जिले का विकास कराएंगे, जो जो सारी कमियां होंगी वो कराएंगे, पूरा नए काम कराएंगे। कहीं ना कहीं आपके सामने एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपके जो जो कैंडिडेट हैं वो आपके साथ ही निकले हैं और 15 आपको आवश्यकता होगी, तो ऐसे में कोई एक बड़ा चैलेंज आपके सामने, कैसे वो सर्वाइव करोगे आप? आपको लगता है कि आप जीत जाओ इसका चुनाव? अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर और गढ़ पूरे हैं, पूरे नंबरों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से जीत कर चुनाव आएगी। मिला तो आपने के लिए चुनाव लड़ा जी, आपको निष्कासन भी हो गया, तो उस वक्त कैसा महसूस किया था आपने कि आप वोट मांग रहे थे, आपको टिकट नहीं मिला, आप निर्दलीय क्यों लड़ गए? आप मुझे विश्वास था पूरा, टिकट मिले या ना मिले मेरी जीत 100% होगी। फिर उसके बाद आपको प्रत्याशी बना दिया गया अचानक जी, बहुत अच्छा रहा। अध्यक्ष जी से पूछ लीजिए। तो आप लोगों ने प्रत्याशी घोषित किया है, पहले पार्टी ने निष्कासन कर दिया, फिर उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि पार्टी की मजबूरी बन गई है? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी संगठन के द्वारा जो भी निर्णय आता है उसको सहर्ष स्वीकार करना और उस पर अमल करना, ये हमारे लोगों के सैद्धांतिक प्रक्रिया है और उस पर हम लोगों ने अमल किया। प्रिया, हमारे प्रिया के हस्बैंड, प्रिया के पति ओमकार शाह के हमारे युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष थे और उन्होंने टिकट का आवेदन किया था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण हम प्रिया को टिकट नहीं दे पाए। प्रिया चुनाव लड़ी और प्रिया चुनाव जीती। पार्टी के द्वारा फिर निर्देश आया कि इस तरह के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी रहे हैं और वो चुनाव जीत गए हैं, किसी कारणवश हम उनको टिकट नहीं दे पाए, चुनाव जीत गए, उनको तत्काल पार्टी में शामिल किया जाए। शामिल किया और मुझे लगा कि प्रिया हमारी बहुत अच्छी कार्यकर्ता है और बहुत अच्छे तरीके से चुनाव हम लड़ सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से लगातार ये कह रहा है कि चाल चरित्र चेहरे की बात करती है भाजपा, अब उसके पास खुद कैंडिडेट थे, तो ऐसे में क्या प्रिया साहब क्या मजबूरी थी क्या उनके पास भी साथ होते? नहीं नहीं, कोई मजबूरी नहीं थी, बहुत सोच समझ के हम लोगों ने अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया है। निष्कासित प्रत्याशी क्यों चुनाव? कोई निष्कासित, निष्कासन वापस लिया है पुनः हमारी भारतीय जनता पार्टी। विज्ञप्ति जारी नहीं हुई? उसकी विज्ञप्ति जारी हमारी समझ में की गई होगी। और चलिए तो वो अभी आपको मिल जाएगी, निष्कासन वापस हो गया, संगठन ने निर्देश दिया, संगठन ये पूरे प्रदेश में इसी तरीके का हम लोगों ने निर्णय लिया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि निष्कासन वापस करके प्रत्याशी बना दिया गया? अब ये तो आपको बड़े नेताओं से पूछना चाहिए, हम लोग तो जिले के कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। प्रत्याशी तो जीते हुए थे ना, आपकी वोटों की संख्या कैसे पूरी हुई? अब ये तो एक गणित का चुनाव है, अब अगर हम आपको यहाँ से गणित बताने लगेंगे तो कैसे चलेगा? गणित तो बताया नहीं जाता, गणित में सवाल हल किया जाता है। विपक्ष का ये कहना है कि जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होगी, क्या लगता है जिस तरह से आप गणित? कम से कम बार बार विपक्ष की बात तो मत करें जो इस तरीके से हर बार करते रहे हैं, उन लोगों को तो बोला गणित लगी, गणित का होगा फिर क्या यही गणित होगी क्या? तो अब ये तो नहीं, जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं आप कह सकते हैं, ये तो भरोसे की राजनीति होगी, जो हम लोगों के साथ भरोसा जताएगा उसको हम लोग पाए। पहली बार अनारक्षित सीट हुई, दोनों ही दलों ने अनारक्षित प्रत्याशी नहीं उतारे, इसका क्या कारण है? अब ये देखिए, हर चुनाव की अपनी अपनी देशकाल परिस्थितियां होती हैं, उन देशकाल परिस्थितियों को हम लोगों ने स्वीकार करते हुए जो निर्णय लिया है उस पर अमल किया है। सोचते पूरा ऑफकोर्स